चलने और चंगी वीडियो पढ़नी ने, चलने वाले वीडियो पढ़ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद नवाज़ अपने चैनल हाल अहवाल में आप दोस्तों को फिर एक दफ़ा खुशामदीद वेलकम कहता हूँ। दोस्तों आज आपको विज़िट कराएंगे एक ऑस्ट्रेलियन गाय के डेयरी फार्म का। यह डेयरी फार्म तहसील तरागंग के गांव बुढ़ियाल में है और डेयरी फार्म का नाम अवान डेयरी फार्म है। तो दोस्तों माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत माल इन्होंने रखा हुआ है। मंडी का विज़िट तो आपको लोगों को मैं कराता ही रहता हूँ, तो मैंने कहा यार एक फार्म का विज़िट करूँ आपको। लेट्स गो यार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये खूबसूरत बड़ी गाय फार्म पे, सबसे जो बड़ी गाय है वो यही है। अच्छा, ये हमारे जो दोस्त हैं अवान डेयरी फार्म वाले भाई, ये मंडियों से कोई माल नहीं ख़रीद के लाए हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, सेंट्रल पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ों से, जैसे सरगोधा से और खुशाब और उसके साथ से कुछ और जो डिस्ट्रिक्स हैं सेंट्रल पंजाब के, वहाँ से मुख्तलिफ़ फार्म हाउसेस से लेकर आए हैं। ये ऑस्ट्रेलियन गाय और फ्रीजन गाय मिक्स हैं, ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन गाय हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत गाय। तो इनको ओपन छोड़ा हुआ, इन्होंने बांधते नहीं हैं, खुला एरिया है, इसी में ये रहती हैं। पैंतालीस कितनी हैं? कितनी सारी? दोस्तों ये तकरीबन 19 बड़ी गायें हैं जो, अच्छा ये जिन्होंने टैग लगे हुए हैं उनका बना, वैसे फार्म से काउंटिंग करना ठीक। ये दोस्तों देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सेटअप बनाया हुआ है। और ये गाय आप देख रहे हैं, ये एक और गाय है बड़ी माशाल्लाह, ऐसे लगता है ये हाथी की साइज़ की गाय हैं। ब्रीडर है वे ठीक है माशाल्लाह, बड़ा एक ब्रीडर है, ये देख सकते हैं आप। इसको बांध के रखा हुआ ब्रीडर को, बाकी जो गायें हैं वो खुली होती हैं फार्म में, लेकिन ब्रीडर को इन्होंने बांध के रखा हुआ है, ये देख सकते हैं। ऐसे ही ब्रीडर कितने ना कि दया ने, अच्छा चंगा बड़ा हो गया उनका माशाल्लाह, बड़ा ब्रीडर इनका। ये एक जर्सी नस्ल की गाय है साथ ही, अवान डेयरी फार्म के नाम से बुढ़ियाल गाँव है जी, तहसील तरागंग का। वहाँ ये भाइयों ने दोस्तों ने बनाया हुआ है माशाल्लाह खूबसूरत एक सेटअप है। ये जी दोस्तों, घरों में तो लोगों ने कहा तो कहा एक गाय या दो गाय ऑस्ट्रेलियन गाय रखी हुई है। तहसील तरागंग में भी लोगों को ऑस्ट्रेलियन गाय रखने का शौक है, क्योंकि दूध की पैदावार के हवाले से ये गाय बाकी गायों की नस्बत काफ़ी बेहतर है। लेकिन फार्म हाउस हमारे इलाके में तरागंग में कम ही है। इसी के
ਤੇ ਉਸਾ ਬਾਈ ਕੇ ਕਿੰਨ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸੇ ਬਾਈ ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਲਾਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾ ਔਰ ਹਾਜੀ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਬੁਢਿਆਲ ਉਨਕਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਅਵਾਨ ਫਾਰਮ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ये अंदर शेड बना हुआ है, रात को शेड में होती हैं और दिन में यहाँ ओपन होती हैं। अंदर शेड को भी विजिट कराते हैं आपको। ये इनकी खुरलियाँ हैं, देख सकते हैं। ये बहरियाँ यहीं से बाहर निकल जाती हैं, बाहर जा नहीं सकती। ये पानी की जगह बनाई हुई है। ये मैट भी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया है भाइयों ने, बड़ा खर्चा किया है। ये दोस्तों मशीन देख रहे हैं आप, इसके नीचे ये मोटर लगी हुई है और ये आगे जो है इनसे दूध निकालते हैं। ये सेट बछड़े हैं, ये भी दिखाते हैं आपको। ये गायों का जो साइड है वो इस साइड है। फार्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, ये शुमाली साइड जो है इस साइड पे गाय हैं और जो जनूब की साइड है इस साइड पर उन्होंने बछड़े रखे हुए हैं, उनका ऐसा अलग किया हुआ है। छोटे बड़े बछड़े मिक्स हैं। ये छोटे बछड़े माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग। ये जी इनकी साइड है, बछड़ों की साइड। ये इनके लिए खुरली बनाई हुई है, ये देख सकते हैं आप, वीडियो में नजर आ रही होगी। और ये इनकी भी जगह इस तरह है, रात को अंदर होते हैं और दिन को इनकी ये बाहर निकाल देते हैं। इनको ओपन एरिया बनाया हुआ है इसके लिए, ये बैरियर बनाया हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। दोस्तों ये ओपन एरिया बनाया हुआ है बछड़ों के लिए, माशाल्लाह देख सकते हैं आप। ये हल्की हल्की धूप निकली हुई है, धूप सेक रहे हैं। माशाल्लाह एक्टिव बछड़े हैं। अच्छा, जो टैग लगे हुए हैं बैड़ी सारी हैं गुब्बारे, छोटे बच्चे के अलावा इनमें गुब्बारे भैंस। माशाल्लाह एक भैंस भी रखी हुई है, घर नहीं है। भैंस रखने का शौक तो हमारे इलाके में लोगों कम ही है, लेकिन फिर भी शौकिया तौर पर एक रखी हुई है, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये बछड़ियाँ हैं, ये जो टैग लगे हुए जिनके, ये बनी हुई हैं गब्बन है मतलब। फार्म कदम बनाया है, समझ ठीक है। ये दोस्तों देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ियाँ हैं। ये टैगिंग इन्होंने बाकायदा टैगिंग की हुई है, इसको प्रोसीजर है बाकायदा, अपने पास इन्होंने डेटा रखा हुआ इसका। ये एक और खूबसूरत बछड़ी, ये भी देख सकते हैं आप। अच्छा, 2020 में इन्होंने ये फार्म शुरू किया, दो साल पहले तकरीबन 10 जानवरों तो शुरू किया। ये माशाल्लाह खूबसूरत छोटा सा बछड़ा,
दोस्तों यह व्यू देख सकते हैं, ये कैमरे भी लगाए हैं सिक्योरिटी के लिए, तो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा छत के नीचे बिल्कुल। ये व्यू है फार्म का, ये दोस्तों आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का भी इन्होंने पूरा पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। ये जी सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं आप, ये इस साइड को कवर कर रहा है, ये जो फार्म की ये साइड है, और एक कैमरा उस साइड है वो राइट साइड को कवर कर रहा है सामने एरिया को भी। ये दोस्तों एक और भी यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये जो बछड़ों की साइड है, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। ये इस साइड के ऊपर भी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। ये साइड देख सकते हैं व्यू, ये इस पूरे एरिया को कवर कर रहा है जो आपको सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। और कैमरा, एक और अंदर की साइड पे कैमरा लगाया हुआ है, ये अंदर का सारा व्यू दिखाता है। ये कैमरा उस कोने में जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, और ये कैमरा की इस साइड पर है। ये जी व्यू उसका, कौन से एरिया को कवर कर रहा है जो सामने आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। ये शेड है, और ये शेड से बाहर का एरिया है। हाल अवाल एच एल हाल ए एच डब्ल्यू एल थोड़ा स्पेस देखे अहवाल देखे ए एच डब्ल्यू ए एल आ गया, मैंने तस्वीर शो नहीं थी उसने पे। माशाल्लाह सेटअप तो जबरदस्त बनाया है भाई, सेटअप प्रॉपर सेटअप बनाया है पहले छोटी पाइयां हैं। अच्छा गुजर तो यार बात अभी तोते आ गए ना वीले तो क्या ज्यादा ही मार्शल सरगो देने रीच होने ने पायो जड़ी काम है इसकी क्या डिमांड कर रहे हो डिमांड की थी ना फाइनली 4.5 लाख फाइनल पक्की हुई के वे तैयार होनी पई 3 लीटर दो दे तुसी 3 लीटर चलो फिलहाल जी साइंस में इसी वीडियो पे ना पे आना सी बकरी वीडियो बन सही है टाइमर